तो भाई यार मैं आ चुका हूँ एक और मजेदार वीडियो लेकर के, और आज हम लोग भाई फिर से खेलने जा रहे हैं स्कैरी टीचर 3D। तो भाई यार पिछली वीडियो में आप लोग ने देखा था स्कैरी टीचर टीवी में रिमोट कंट्रोल वाला बेसबॉल गेम खेलती है, लेकिन हम लोग उसको रियलिटी में बेसबॉल खिला देते हैं, मतलब कि खतरनाक बॉल का अटैक हो जाता है और खतरनाक वाला उन दोनों को चोट भी लग जाता है, स्कैरी टीचर और उसके बॉयफ्रेंड को। लेकिन यार इसमें हम लोग आज दूसरा मिशन कंप्लीट करेंगे। इस मिशन में भाई ये स्कैरी टीचर बच्चों के साथ भाई कर देती है खतरनाक वाला प्रैंक, क्या बोलूं, मतलब शैतानी वाला हरकत कर देती है। अभी ये बच्चे भाई मैग्नेट वाली मशीन लेकर के जमीन के अंदर से कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या करती है जमीन के नीचे भाई कांटे बिछा देती है। बताओ ये कांटे का लगाने का क्या मतलब, बच्चों को लग जाएगा चोट ना। और ये मैग्नेट मशीन पे आकर के अटैक हुआ, मतलब वो कांटा लोहे का था तो चिपक गया और उसका बिचारेगा मशीन ही टूट गया उस लड़की का। अब ये बच्चे भाई बदला लेंगे, ये तो नहीं ले पाएंगे, इनका बदला मुझे लेना पड़ेगा। तो भाई पहले चलते हैं मेन डोर पे, चेक कर लेते हैं यहाँ पे ताला लगा या फिर नहीं। अरे यार ताला लगा है, चाबी भी यहीं पे है। रुको पहले इसको ओपन कर देता हूँ, क्योंकि यहीं से हम लोग को बाहर भी निकलना है और यहीं से अंदर भी जाना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैग्नेट लेने के लिए, और मैग्नेट मिलेगा हम लोग को इस स्टोर रूम के अंदर। यहीं पे हम लोग को बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, हैमर भी मिलता है यहाँ पे, कभी कभी ताला तोड़ने का काम आ जाता है। खैर हम लोग को अभी मैग्नेट की जरूरत है, यहाँ पे मैग्नेट तो ले लिया, अब मुझे और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर साइड में, क्योंकि ऊपर वाले रूम में ही हम लोग को मैग्नोफाइन ग्लास भी मिलेगा और रोप भी मिलेगा, और शायद शैम्पू भी बाथरूम में से उठाना पड़ेगा, क्योंकि शैम्पू गिराएंगे तभी तो स्कैरी टीचर गिरेगी। और अभी स्कैरी टीचर ऊपर है, लोल, जिधर मुझे जाना है उधर ही ये भटक रही है। पहले इसको जाने दो, देखता हूँ ये किस रूम के अंदर जा रही है। अच्छा ये बेडरूम में ही जा रही है, जिस रूम में हम लोग को जाना है। खैर कोई बात नहीं, तब तक हम लोग दूसरे वाले रूम से मैग्नोफाइन ग्लास तो ले लेंगे, और रोप तो यहीं पे मिल जाएगा हम लोग को इसी रूम में। चेयर भी चाहिए होगा, चेयर भी हम लोग को दूसरे रूम में मिलेगा कंप्यूटर वाले रूम में। चलो अंदर ही अंदर चलेंगे, हम लोग बाहर से नहीं चलेंगे, क्योंकि स्कैरी टीचर कभी भी भाई गेट के बाहर निकल जाएगी तो दौड़ा देगी मुझे, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये हम लोग कंप्यूटर वाले रूम में आ चुके हैं, ये रहा चेयर, पहले ये चेयर ले लेता हूँ, स्टील की चेयर है भाई खतरनाक। यहाँ पे मैग्नोफाइन ग्लास भी रखा हुआ है, मैग्नोफाइन ग्लास भी ले लिया हम लोग ने। अब आई थिंक मुझे अब कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट चलना है हम लोग को उस वाले रूम में जिस रूम में स्कैरी टीचर गई थी, और मैं इधर से अंदर ही अंदर जा रहा हूँ। अभी स्कैरी टीचर भाई सीढ़ी उतर रही है, लोल उसने मुझे देख लिया, वो तो मेरे पीछे ही आने लग गई। रुको इस रूम के अंदर ना आए बस वो, मैं इस रूम के अंदर छिप जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो रुक चुकी है बाहर, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल के भाग जाऊँ तब तक। चलो भागने जो का देखा जाएगा। यहाँ पे मैं बाथरूम की तरफ आ गया भाई, सेफ्टी के साथ अंदर आ गया, मुझे इसी रूम के अंदर आना था। चलो सही जगह पे आया हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे चेयर लगा करके इस अलमारी के ऊपर से रोपे उतारना पड़ेगा, रोप इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है। पहले हम लोग यहाँ पे चेयर लगाते हैं, चेयर तो मैंने लगा दिया, और ये रहा रोप, रोप भी मिल चुका है हम लोग को। अब मुझे सबसे पहले मैग्नोफाइन ग्लास नीचे फेंकना पड़ेगा, और मैग्नोफाइन ग्लास के उस पीछे के साइड में हम लोग को रोप को बांधना पड़ेगा। ये लो भाई हम लोग ने बांध दिया रोप को, अब हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको पेड़ पे टांगने का काम आएगा हम लोग के लिए। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं नीचे साइड में, क्योंकि ऊपर में हम लोग का कोई भी काम नहीं है। तो बस पहले स्कैरी टीचर को देख लूँ, स्कैरी टीचर कहाँ है, लोल ये तो जस्ट नीचे ही बैठ गई, ओ भाई न्यूज़पेपर पढ़ रही है। रुको मैं बाहर वाला रास्ता चूज कर लेता हूँ, यहाँ से इसमें से हम लोग विंडो से निकल के सीढ़ियों से बाहर निकल जाएंगे। रुको यार अभी तो एक चीज रह गया, हम लोग ने शैम्पू तो उठाया ही नहीं, हम लोग को बाथरूम में चलना पड़ेगा। चलो यहाँ से अंदर ही अंदर हम लोग चलते हैं, बाथरूम में से पहले हम लोग शैम्पू उठा लेते हैं, शैम्पू जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये लो भाई शैम्पू भी मिल गया हम लोग को। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट बाहर साइड में, स्कैरी टीचर अभी रूम में है, वो भाई टीवी देख रही है। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं शॉर्टकट लेकर के, बट यहाँ पे वो नहीं लगा रहता यार, सीढ़ी नहीं है, पेड़ पे कूद के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई पेड़ पे आ गया, नीचे आ गया। अब मुझे चाहिए एक टेबल, टेबल यहीं कहीं आसपास में मिलता है, वो रहा टेबल वहाँ पे रखा हुआ है। ये टेबल स्टूल पे ही हम लोग चढ़ करके पेड़ पे मैग्नोफाइन ग्लास लटकाएंगे ना, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। अब इसको ले जा करके कॉर्नर वाले पेड़ पे लगाऊंगा, जहाँ से सनग्लास हम लोग को सूरज दिख जाए। ये रहा ये कॉर्नर वाला पेड़, ये लो भाई यहाँ पे पहले रख देते हैं इसको। अब इसके ऊपर चढ़ करके हम लोग को लगाना पड़ेगा मैग्नोफाइन ग्लास, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मैग्नेट रख दूँ यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेट को ही तो हम लोग को पिघलाना है।
यहाँ पे मैग्नेट तो रख दिया हमने, अब इस पे चढ़ता हूँ। अरे चढ़ नहीं रहा, मुझे लग रहा है जंप करके चढ़ना पड़ेगा। अच्छा जंप करके ही चढ़ना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग ने मैग्नोफाइन ग्लास को लगा दिया है। अब सूरज की रोशनी से भाई मैग्नेट पिघल गया, ओ खतरनाक वाला पिघल चुका है। अब मुझे शैम्पू मेन गेट पे गिराना पड़ेगा, क्योंकि स्कैरी टीचर जैसे ही आएगी भाई वो फिसल करके गिरेगी डायरेक्ट मैग्नेट पे, और मैग्नेट उसके पूरे बॉडी में चिपक जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी उसने कांटे बिछाए है ना, उसकी बॉडी में आके अटैक हो जाएगा। बच्चों से बदला लोगी तुम? रुको हम तुमको अभी बताते हैं। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल आते हैं, वेट करते हैं स्कैरी टीचर के आने का। जब तक वो बाहर नहीं आती हम लोग यहीं से देखेंगे। इसके अंदर मैं नहीं जा सकता, इसके अंदर जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं। अभी सीढ़ी से उतर रही है स्कैरी टीचर, बस इधर उधर न जाए, डायरेक्ट सीधे आ जाए। चलो वो बाहर के साइड में ही आ रही है, मेरा काम हो जाएगा। बस एक बार वो नीचे न देखे, क्या पता भाई उसने नीचे देख लिया शैम्पू पे पैर ही नहीं रखा तो। गेट के पास आ चुकी है, ये गेट से बाहर भी निकल गई। लोल पैर फिसला। अच्छा अभी यहाँ पे इसका पैर फिसला और ये भाई गोल बॉडी बना करके डायरेक्ट आ चुकी है। यहाँ पे मैग्नेट इसके पूरे बॉडी में चिपक चुका है। ओ भाई इसको आने लगा चक्कर। ये जैसे ही उठी भाई अब देखना क्या होगा, खतरनाक। लोल अरे ये अपने पूरी बॉडी को देख रही है और जमीन के अंदर जो इसने काटे काटे बिछाए थे सारे काटे आगे इसके बॉडी में चिपक गए। ले बेटे बच्चों को परेशान कर देगी, बदला पूरा हुआ। तो भाई यार ये वाला भी लेवल हम लोग ने इजिली कंप्लीट कर लिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।